नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। 250 ग्राम पनीर, इनके क्यूब्स काट लिए हैं। 2 बड़े चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, ये होममेड फ्रेश क्रीम है, घर के दूध की मलाई, दालचीनी, ज़ीरा, इलायची, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच ऑयल, काजू, लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, धनिया की पत्तियाँ, आधा छोटी चम्मच पनीर मसाला, आधा छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आइए अब हम अपनी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। आइए अब हम अपना शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के, 0 और काली मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च। हल्का सा भून लेते हैं। इसमें लहसुन की कलियां ऐड कर देते हैं। लहसुन की कलियां को हमने फ्राई करने के बाद में प्याज डाल देते हैं। इनको हल्का सा भून लेते हैं। हमारी प्याज है लहसुन फ्राई हो चुका है, इनके टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का जो है भून लेना है, इसमें काजू डाल देंगे। काजू को डालने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे। 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद इन्हें ढक कर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इनको पकने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। टमाटर भी हाफ पक चुके हैं, प्याज भी। गैस को बंद कर देते हैं। अब इन्हें ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और इन्हें ब्लेंड करेंगे। अब इनको आइए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में बाकी का सारा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा, दालचीनी, इलायची, लाल मिर्ची, और इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हमारा जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ये प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाई थी, टमाटो और गार्लिक और इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पनीर मसाला, हल्दी, सॉल्ट, और इनको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने देंगे। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी ऑयल नहीं छोड़ देती। गैस का फ्लेम लो करके अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि ग्रेवी में सारे मसाले जज्ब हो जाएं। आइए हम अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी पक चुकी है, ग्रेवी ने साइड्स में ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। और
पथली को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और दही को लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि दही फट ना जाए। अब हम इसमें घर की फ्रेश मलाई ऐड करेंगे 2 चम्मच। इसको भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमारी ग्रेवी काफी क्रीमी हो जाती है और इसका टेक्सचर काफी क्रीमी आता है और खाने में बहुत क्रीमी और टेस्टी लगती है। इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। इसको भूनने के बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। मैंने इसमें 1 ग्लास पानी यूज किया है, आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे और बॉयल आने तक इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। आइए हम अपनी ग्रेवी को चेक करते हैं। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ग्रेवी ने ऑयल भी छोड़ दिया है, ग्रेवी के ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये सारे पनीर के पीसेस डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। और 1-2 मिनट के लिए हाई टू मीडियम हीट पर इसको पकने देते हैं। ढक देते हैं इसको। अब हमने शाही पनीर को चेक कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट बन चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। आइए हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग बोर्ड में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा शाही पनीर बनकर के तैयार है। ये देखने में कितना क्रीमी और डिलीशियस लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।